Hello friends, welcome in Magic Kitchen of Krishna. I am Chef Krishna और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक yummy delicious recipe. Friends, ये एक summer recipe है और बहुत amazing है और बिल्कुल cool recipe है. और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो recipe बना रहे हैं उसमें ना तो milkmaid हमने use किया है और ना ही किसी तरह का कलर यूज किया है, फूड कलर यूज किया है. तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर कीजिएगा. यदि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा. तो चले फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं ये अमेजिंग बटर स्कॉच आइसक्रीम, वो भी विदाउट फूड कलर. हम इसमें किसी तरह का फूड कलर यूज नहीं करेंगे, बट आप देख सकते हैं कि जो बटर स्कॉच का नेचुरल कलर है वो कलर इस आइसक्रीम में है. कैसे बनाएं इस तरह से ये बटर स्कॉच आइसक्रीम, बहुत यमी, बहुत डिलीशियस. और हम इसमें किसी भी तरह का थिकनर यूज नहीं करेंगे, हम इसमें किसी भी तरह का रासायनिक यूज नहीं करेंगे, कोई केमिकल यूज नहीं करेंगे और इसे बनाएंगे एक अमेजिंग रेसिपी. तो फ्रेंड्स, होममेड रेसिपी की बात ही बहुत निराली होती है. तो चले फ्रेंड्स, बनाते हैं मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ मैजिकल रेसिपी. स्वाद का जादू जगाएं शेफ कृष्णा के साथ. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस. तो चले फ्रेंड्स, बना लेते हैं हम सबसे पहले बटर स्कॉच में जो क्रंच आता है माउथ में, उस क्रंच में क्या लगता है, क्या डाला जाता है वो बना लेते हैं हम. तो हमने ले लिया है यहाँ पे शुगर, ये हमने तकरीबन 1/4 कप शुगर लिया है. तो ये 1/4 कप शुगर को हम पहले कैरमलाइज करेंगे. तो देखिए, पानी बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा और इसको जल्दी से कैरमलाइज कर लीजिएगा. तो हम इसको लगातार चलाते हुए कैरमलाइज कर रहे हैं. ये देखिए, लगातार चलाते हुए इसको कर लेंगे कैरमलाइज. आप देखते हैं पहले ये लिक्विड फॉर्म में आता है, हार्ड होता है और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो ये देखिए, शुगर मेल्ट हो गया अच्छे से. अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये चॉप किए हुए आलमंड. आप इसमें कैश्यूज भी यूज़ कर सकते हैं. हम यहाँ पे सिर्फ आलमंड यूज़ कर रहे हैं, यानी बादाम. और ऐड कर देंगे बटर. तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर हमने ऐड कर दिया है और इसको कर लेंगे मेल्ट. तो ये जैसे ही मेल्ट हो जाता है और कैरमल कलर अच्छे से आ जाता है तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे. तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम इसको. और हमने इसे डिश आउट कर लिया और इसको ठंडा कर लिया. आप देखेंगे कि ये कितने अच्छे से ये ठंडा हो जाता है. और अब क्या करेंगे, ये जिस पैन में हमने कैरमल किया था शुगर को, उसी पैन में हमें ऐड करना है दूध. तो ये तकरीबन 250 ml टोन मिल्क लिया है हमने. तो ये थिक मिल्क है, ये देखिए फुल क्रीम मिल्क है. और इसमें हम ऐड कर देंगे ये बटर स्कॉच पाउडर. यदि बटर स्कॉच पाउडर नहीं है आपके पास तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें. देखिए, तकरीबन हम बटर स्कॉच पाउडर हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, 1/4 कप हम ऐड करेंगे. यदि आपके पास बटर स्कॉच पाउडर नहीं है तो आप जो मिल्क पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं और साथ में कॉर्नफ्लावर यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे बटर स्कॉच पाउडर ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. 1/4 कप है 250 ml में,
1/4 कप हमने बटर स्कॉच पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, ताकि लम्स नहीं रहे बिल्कुल। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ही मिल्क थिक हो जाता है, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे शुगर। तो ये 1/2 कप शुगर है जो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ ऐड करने से क्या होगा, ये पानी छोड़ देगा और दूध जो है वो पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। दूध फटना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे शुगर। तो ये 1/2 कप शुगर हमने ऐड कर दिया इसमें। आप देख सकते हैं कि जो 250 ml मिल्क है वो कितना थिक हो चुका है, ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। और पहले ये शुगर मेल्ट होगा, जब थोड़ा सा पतला होगा फिर हम इसको लगातार चलाएंगे तो ये वापस पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये काफ़ी थिक हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, ठंडा करेंगे। ये देखिए इसको डिश आउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको बाहर ठंडा करेंगे और उसके बाद इसको फ्रिज कर देंगे। डीप फ्रीजर में ना रखें, फ्रिज में रखें तो ये ठंडा हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा ये जो हमने बनाया था बटर शुगर और बादाम यानी आलमंड का मिक्सचर, वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसको बारीक कर लेंगे। हम यहाँ पे बहुत बारीक नहीं कर रहे हैं, कई लोग बिल्कुल इसको पाउडर बना देते हैं, तो हम उसको पाउडर नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको बड़े टुकड़ों में, चंक्स में रखेंगे, जो कि आप बहुत यमी लगता है जब आप उसको टेस्ट करते हैं। और ये जब आइसक्रीम के साथ माउथ में आता है तो लाजवाब टेस्ट देता है। तो ये तो हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी हम फ्रिज कर देते हैं ताकि जब हम बनाए आइसक्रीम तब हम उसमें ऐड करें। यहाँ हमने लिया है अमूल का फ्रेश क्रीम। तो ये अमूल का फ्रेश क्रीम हम 250 ml हमने ले लिया है। अब इसको करेंगे बीट, पहले 1 नंबर पे बीट करेंगे 3 से 4 मिनट, उसके बाद हम 4 मिनट के लिए इसको 5 पे बीट करेंगे। तो हम 1 पे बीट कर रहे हैं अभी। अमूल फ्रेश क्रीम को बीट करने से पहले हमने उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, जिससे वो ठंडा हो गया काफ़ी, उसके बाद हम उसको बीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बीट हो जाता है। ये देखिए कितना अच्छे से बीट हो जाता है। तो इसको लगातार बीट करें, जिससे कि ये इसका जो थिकनेस है, वॉल्यूम है, वो बढ़ जाए। ये देखिए इस तरह का हमें बनाना है इसको। और अब ये ठंडा हो चुका है जो क्रीम हमने बनाया, आप देख सकते हैं इसमें बटर स्कॉच वाला कलर आ गया, हमने कोई फूड कलर यूज नहीं किया है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं जो कैरमल कलर है शुगर का, वो इसमें आ गया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको बेटर से मिक्स कर देंगे, जिससे ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो देखिए ये आइसक्रीम का बैटर हमारा रेडी है, अच्छे से मिक्स हो गया है दोनों चीज़ें। आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल बटर स्कॉच आइसक्रीम वाला कलर आ गया है, बिना कोई फूड कलर यूज़ किए। अब इसमें हम ये चंक्स ऐड कर रहे हैं जो हमने बना कर रखा था, उसको हमने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और ये अच्छे से मिक्स हो गया। तो अब हम इस वाले हमारे टिन में, इस वाले बर्तन में हम ऐड कर देंगे इसको अच्छे से। पूरा बैटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं और अब इसमें ऊपर से गार्निश कर देंगे ये चंक्स। तो ये कैरमल चंक्स बहुत यमी लगते हैं और बाइट में आते हैं तो बहुत अमेजिंग टेस्ट देते हैं। तो देखिए यदि आपने बहुत अच्छे से बीट किया है तो ये चंक्स नीचे नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, ऊपर ही रहेंगे। तो ये अब हमने अच्छे से कवर कर दिया इसको और अब इसको कर देंगे फ्रिज।
12 घंटे के लिए हमें फ्रिज करना है इसको। देखिए हमने रख दिया डीप फ्रीजर में और इसको 12 घंटे के लिए हम बंद कर देंगे फ्रिज के अंदर। 12 घंटे बाद हम चेक करेंगे। देखिए 12 घंटे हो चुके हैं और अब हमारा आइसक्रीम बनकर तैयार है, तो हम उसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम तो हमारा बनकर रेडी है, देखिए कितना यमी है। और ये देखिए अच्छे से जम गया है, बहुत बहुत हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है, ये बहुत अच्छे से जमा है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये निकल रहा है और जाली देख सकते हो आप। ये देखिए कितने यमी बना है ये आइसक्रीम। प्लेट कर रहे हैं हम इसको, तो ये स्कूप कर रहे हैं हम इसको। ये देखिए कितना यमी, बहुत। और आप कलर देख सकते हैं इसका, बिल्कुल नेचुरल बटर स्कॉच आइसक्रीम है और कोई डबल कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई थिकनर नहीं है और बिल्कुल अमेजिंग है ये रेसिपी। हमने गार्निश कर दिए थोड़े से चंक्स के साथ में और बहुत यमी है। देखिए डिलीशियस आइसक्रीम बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो जल्दी से बना लीजिए आइसक्रीम बटर स्कॉच, और बच्चों को बेहद पसंद आने वाला है। हमें बताइएगा कैसा बना, हम लाते रहेंगे आपके लिए अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी। बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और जगाते रहिएगा स्वाद का जादू। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा हमारा चैनल। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। बने रहिए, जगाते रहिए स्वाद का जादू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए अमेजिंग रेसिपी। बाय बाय, आई लव यू, टेक केयर।